ये शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है और यहाँ पर नौका विहार उत्सव हो रहा है और दीपदान भी प्रज्वलित किए जा रहे हैं, प्रवाह किए जा रहे हैं। आज शरद पूर्णिमा के दिन की विशेष बात ये भी है कि आज के दिन बांके बिहारी जी महाराज दिन बंसी धारण करते हैं। अब चलते हैं हम नौका विहार करने के लिए, दीपदान करने के लिए, दीप प्रज्वलित करेंगे और यमुना जी में सहराएंगे। जय हो यमुना रस रानी की जय। ये दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और यकीन मानोगे मतलब वृंदावन के अधिकांश मंदिर इस समय बंद होते हैं और आज के दिन मतलब खुले हुए हैं। वो कारण इसका ये भी है क्योंकि आज चंद्र ग्रहण है। अब चलते हैं सीधे बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के लिए। ये नौ कामे वाले में संकीर्तन भी करेंगे, बहुत भक्त लोग भी हैं, उनके साथ में मिलकर के संकीर्तन का आनंद लेंगे, भजनों का आनंद लेंगे और आपको भी आनंद दिलाएंगे। राधा रानी हमारी गोरी गोरी नवल किशोरी कन्हैया मेरो कारो है, जमुना किनारे मोरा का जमुना किनारे मोरा का जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तो भैया आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में श्री धाम वृंदावन से। तो भैया आज श्री जी का शरद उत्सव का दिन है, आज वृंदावन में शरद उत्सव मनाया जा रहा है खूब धूमधाम से। ये दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और यकीन मानोगे मतलब वृंदावन के अधिकांश मंदिर इस समय बंद होते हैं और आज के दिन मतलब खुले हुए हैं। वो कारण उसका ये भी है क्योंकि आज चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण के जो सूतक है लगभग 4 बजे से 4:30 बजे से लग जाएंगे, तो इस वजह से जो मंदिर के दर्शन है ना उनका शेड्यूल भी कुछ बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा हुआ का मतलब ये है जो आरती हुआ करती 9 बजे तक तो वो अब हो जाएगी लगभग 4 बजे तक। बिहार जी में भी मतलब 4 बजे तक आरती हो जाएंगी, सब मंदिर मंदिर बंद हो जाएंगे और राधा वल्लभ जी में 4:30 बजे तक मंदिर बंद हो जाएंगे। आज शरद पूर्णिमा के दिन की विशेष बात ये भी है कि आज के दिन बांके बिहारी जी महाराज साल में सिर्फ आज के दिन एक दिन शरद पूर्णिमा के दिन बंसी धारण करते हैं। भैया ये दर्शन करने के लिए मैं समझता हूँ बहुत लोग प्रयास करते हैं कि कर लें, बट बड़े ही कृपा से ये दर्शन हो पाते हैं और हमको तो ठाकुर जी की कृपा से बड़े सुलभ रूप से मिल जाएंगे दर्शन। पहले बिहार जी जाएंगे फिर उसके बाद राधा वल्लभ जी जाएंगे। यहाँ के दर्शन करने के बाद फिर हम जाएंगे यमुना जी पर, वहाँ पर अपने भैया हैं बीच वाले भैया, वो मतलब दीप दान को सब करा रहे हैं। मतलब एक बड़ी सी नौका है वहाँ पर, मतलब नॉर्मली नौका इतनी बड़ी नहीं रहती है स्टीमर जैसा, वो बहुत मतलब वो दीप दान के लिए ही बनाई गई नौका है, तो उसमें भी जाएंगे, दीप दान भी करेंगे, बड़ा ही आनंद लेंगे, खूब भजनों का आनंद लेंगे वहाँ। राधा वल्लभ जी में आज भी शरद मनाई जाती है और द्वितीय शरद भी मनाई जाती है, वो परसों मनाई जाएगी, उसका भी ब्लॉग बनाएंगे। तो फिलहाल अभी अपन चलते हैं बांके बिहारी जी। तो ये यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं बट हम पैदल ही चलते हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। तो ये पहले राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए नहीं जा रहे, उसका कारण ये भी है क्योंकि मतलब बिहारी जी के दर्शन मिस नहीं हो जाएं, क्योंकि 3:30 बजे मतलब पट बंद हो जाएंगे और अभी बज रहे हैं 3, मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि आज शरद पूर्णिमा का दिन है। आज और कोई नॉर्मल दिन होता तो रिस्क ले लेते हैं, मगर शरद पूर्णिमा की रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि साल में सिर्फ आज ही के दिन दर्शन मिलेंगे बस आज। तो ये अभी बिहारी जी जा रहे थे तो हमारे मित्र ने बताया कि अभी भोग आ गया है बिहारी जी महाराज का। कितने बजे बोलेंगे अब? 3:15 बजे खुलेंगे। अभी कितने बजे? 3:45। तो आधा घंटा में यहीं पे रुक लेते हैं फिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। पूजा श्रृंगार का आप सामान यहाँ से भी खरीद सकते हैं जो कि जिसकी लोकेशन ये है यहाँ पर पुलिस चौकी के पास में। ये बिहारी जी की पुलिस चौकी है, ये शॉप है यहाँ की और इसको भी पहचान लो यही मिलेगा। और आज के दिन शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी का विशेष भोग लगता है, चंद्रकला और अलोटा का भोग लगता है। इसके दिन चंद्रकला जो होती है सफेद कलर की बूरे से लिपटी हुई होती है और अलोटा के संग खाओगे पियोगे एक नंबर की लगती है भाई साहब। देखेंगे कहीं ना कहीं से ठाकुर जी जुगाड़ करेंगे उसके बाद खाएंगे। क्यों भाई हर्ष? भैया 3:15 बज चुके हैं, अब चलते हैं सीधे बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के लिए। जय हो बिहारी जी महाराज की। तो अभी आप देख सकते हैं बिहारी जी के मतलब गली में इतनी भीड़ भी नहीं है कि दर्शन करने में दिक्कत आए कोई, और तो अंदर चल के पता पड़ेगा कितनी भीड़ है। अरे भैया बहुत भीड़ है, ठाकुर जी का नाम लेके चलते हैं भैया। भैया पहले तो भीड़ इतनी नहीं थी मगर अब ज़्यादा हो गई है। भैया हमें भी नहीं पता पड़ रही हम कैसे आगे आगे जाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है ठाकुर जी हाथ पकड़ के खींच रहे हैं। भैया ठाकुर जी ने हमको गुप्त रास्ते से बुला लिया है, अब चलते हैं अंदर। ठाकुर जी बुलाते हैं ना गुप्त रूप से ही बुलाते हैं भैया, सब हमारे बिहारी जी की सेटिंग है। चलते चलो भैया।
तो ये बिहारी जी महाराज के बड़े सुंदर दर्शन हो गए हैं और यहाँ से चलते हैं राधा वल्लभ जी के लिए। पूरी साल की बंसी ठाकुर जी ने आधी बजा दी है, अब राधा वल्लभ जी में भी दर्शन कर ही आते हैं भैया। मानो भैया इतनी सारी भीड़ में ठाकुर जी की कृपा से भी हमको आरती के दर्शन हुए हैं। वैसे तो हम वीडियो बनाते नहीं, हम नका सब बना रहे तो हम क्यों पीछे हटे। जय हो राधा वल्लभ लाल की। भैया इस वाले पीछे वाले गेट से जा रहे हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। श्री अरविंद जी, आपने तो डरा दिया। अरे देखो आज ही मिला दिया। कहाँ से आ रहे हो? मैं कनाडा से। अरे अरे यार, ठीक हो आप? क्या बताऊँ, दर्शन करने चलो आप। दर्शन कर लिए राधा वल्लभ जी? कर लिए पूरे दर्शन कर लिए। तो यहाँ कहाँ जा रहे हो? जा रहे हो घर? अच्छा, पर आपको देख लिया यार, ये काफी रह गए थे। अरे देख लो आप, ब्लॉग में भी आ गए हो। चलो भैया जल्दी जल्दी, ठाकुर जी के भक्तों से मिल करके बड़ा ही आनंद आता है भैया। कनाडा से एक भक्त थे जो सब्सक्राइबर जन थे, उनसे भी मिलकर अच्छा लगा। जय हो राधा वल्लभ लाल की। भैया यहाँ पे सखियाँ भी नृत्य कर रही होंगी। श्री अरविंद, यहाँ पे भैया शरद का तो आनंद दर्शन बंद है। जय हो राधा वल्लभ। शरद पूर्णिमा के दिन आज श्री जी के महल में सखियां नृत्य कर रही हैं। जय ये श्री जी की कृपा से चंद्रकला और अधोटा प्रसाद मिल गया है, श्री गोसाई जी महाराज ने दे दिया है। चलो भैया श्री जी के दर्शन करने के बाद अब चलते हैं हर्ष की दुकान पर, क्योंकि वहीं पर हमारी चप्पल उतरी वही रखी हुई है। तो ये ठाकुर जी की कृपा से हमारा आज कुछ विशेष मन था कि मतलब आज चंद्रकला खाएं और मतलब कि क्या बोलते हैं अधोटा गोपी है। तो ये ठाकुर जी ने हमारी सुन ली है, चकाचक आनंद ही आनंद करा रहे हैं, खूब बंसी बजा रहे हैं। पूरे साल की बंसी आज ही बज रही है। और हमारे हर्षलाल भी लिया है, दोना में धरपकड़, यहाँ कुल्लड़ में भी धरपकड़ है, आधी आधी कर लेंगे धरपकड़। तो भैया हर्ष की दुकान पे आ गए हैं, तो हमारे एक मित्र यहाँ पर बिहार जी का भी प्रसाद लिया है। ये तो राधा वल्लभ जी का है जो हर्ष को दे गया था, और ये अपन को मिला था, ये बिहारी जी का है। जय हो बिहारी जी महाराज की भी जय हो। अब कुछ आधा अधूरा कर लेते हैं भाई। अब क्या देखो, मेवा ही मेवा डर रही हैं। जय हो राधा वल्लभ लाल। भाई राधा वल्लभ लाल चक्क मौत करा रहे हैं। भैया बिहारी जी की चंद्रकला को भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। जय हो। अधोटा ले लो तुम भी, दोनों ले लो, फिर हमें दे दी, हम घर ले जाएंगे। तो भैया घर के लिए तो ले जाएंगे, पहले थोड़ा सा यहीं पे प्रसाद ही पी लेते हैं। वाह, वैसे कुछ लोग हमारे में कमेंट करके कहते हैं भैया आपसे हमें जलन सी होती है, वो किस लिए? क्योंकि हम यहाँ पे बैठ करके आनंद लेते हैं और आप घर बैठे देखते रहते हैं। तो भैया जलन अभी हो रही है ठाकुर जी, क्या पता आगे आपके ऊपर ऐसी कृपा कर दें जो जलन से मुक्त हो जाओ और आपको श्री धाम में बुला लें, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है भैया, श्री अरविंद, चलते हैं। तो भैया पैदल चलते चलते प्रसाद को लेकर के आते हुए घर पहुंच चुके हैं। तो घर पे प्रसाद को रखते हैं और फिर उसके बाद नौका विहार के लिए जाएंगे। और ये ठाकुर जी का भोग लग चुका है। जय हो ठाकुर जी महाराज की। वाह, बड़े ही सुंदर दर्शन है भैया आज तो। जय हो शरद उत्सव की जय हो, श्री जी सरकार की जय हो। तो भैया अभी 4:30 बज चुके हैं, भैया ने बोला था 4:30 बजे नाव निकल जाएगी, इसलिए अब जल्दी से जल्दी चलते हैं ताकि और लेट नहीं हो जाए। तो अभी अपन इस वाली बाइक से चलते हैं।
जय हो राधा वल्लभ लाल की। तो ये फिलहाल अभी अपन आ चुके हैं यमुना जी पर, लोकेशन हम आपको बता देते हैं कौन सी जगह। हाँ, श्रृंगारवट से मतलब नीचे ही है, श्रृंगारवट के नीचे ही है, सामने श्रृंगारवट है और यहाँ पर ही अपनी नौका है, इससे हम जाएंगे। सबसे पहले भैया आप यमुना रसरानी जी के दर्शन कर लियो। अब चलते हैं हम नौका विहार करने के लिए, दीप दान करने के लिए, दीप प्रज्वलित करेंगे और यमुना जी में सहराएंगे। और ये नौका में मालूम है संकीर्तन भी करेंगे, बहुत भक्त लोग भी हैं, उनके साथ में मिलकर के संकीर्तन का आनंद लेंगे, भजनों का आनंद लेंगे और आपको भी आनंद दिलाएंगे। जय हो राधे, जय हो। भैया ये नौका है अपनी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी सुंदर नौका है, श्री भक्ति श्रवण तीर्थ गोस्वामी जी महाराज की। वाह, आप चलते हैं अंदर। जय हो। यह आप दर्शन कर सकते हैं श्री राधा रमन लाल जी के दर्शन, और बीच में श्री जो भगत जी हैं उनके गुरुदेव महाराज जी हैं, श्री भक्ति श्रवण तीर्थ गोस्वामी जी महाराज। नौका में भी पूरी शरद की पोशाक बनाई गई है और पूरा शरद उत्सव यहाँ भी मनाया जा रहा है। और सामने हमारे भ्राता श्री। जय हो यमुना रस रानी की। जय। तो ये सबसे पहले आचमन कर लेते हैं यमुना रस रानी जी का। जय यमुना मैया, जय यमुना मैया, देख सकते हो भैया कितनी पॉजिटिव वाइब आ रही है यहाँ पर यमुना रस रानी जी की। वाह भाई, भजन संध्या भी प्रारंभ होगी। तो ये यहाँ पर दीपक तैयार किए जा रहे हैं दोनों में, फिर उसके बाद प्रज्वलित किए जाएंगे यमुना जी में। बत्ती में घी और कपूर मिलाया जा रहा है ताकि आसानी से जलते रहें। त्रिमिटे दिन कर मिटे और मिटे त्रिगुण विस्तार, गृणवत श्री हरिवंश को मिटे नारास विहार। तो यहाँ पर दीपक प्रज्वलित किए जा रहे हैं, अब यमुना जी में प्रवाह किए जाएंगे। जय हो। तो ये प्रारंभ करते हैं, जय राधा रमण लाल की। जय हो यमुना रस रानी की। जय। देख सकते हैं यहाँ पर यमुना रस रानी जी में दीपक प्रभाव कर दिए गए हैं, अभी और अधिक से अधिक मतलब सभी लोग करेंगे अपने अपने हाथों से, हमने तो कर दिए, भजनों का आनंद लेंगे। मगर जगत को जियारो श्री राधा जो को प्यारो है, राधा रानी हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी कन्हैया मेरो कारो है, राधा रानी हमारी गोरी गोरी, नवल किशोरी कन्हैया मेरो। एक बात तू और सुन ले, इन गोपिन पे मंगल गब बाए ले, इन गोपिन मैया ने कहा कन्हैया ते कि लाला तेरा ब्याह होगा तो मंगल चार के गीत कौन गाएगा, तो कन्हैया बोली ये ब्रज गोपी गाएंगी। अब आप बताओ कन्हैया को ब्याह होगा आप मंगल चार के गीत गाओगी, हंसने की बात ना है, गाओगी तो हाथ ऊपर करके बताओ कि हाँ गाएंगी, गाओगी। ये कन्हैया के ब्याह में है और ये जो ब्रजवासी है ये सब बराती, ये भाव है। मैया एक बात तू और सुन ले, इन गोपिन पे मंगल गब बाए दे और लाए दे, पावती कहे मोतू चढ़वे को सुंदर घोड़ी सौखा।
ऐसी सौगंध खा के कह रहे हैं कि हम मैं दूसरे घर में चोरी करने जाऊं पर ब्याह करा दो। ये बहुत सुंदर प्रसंग है और आज का दिन बड़ा सुंदर है। आज है शरद पूर्णमासी। आज के दिन कन्हैया ने क्या किया, यमुना किनारे और कोटानकोट ब्रज गोपियों के साथ में महारास लीला। महारास लीला का दूसरा नाम है कामदेव पर विजय प्राप्त, काम विजयी लीला। काम लीला बहुत लोग भाव दूसरा लगाते हैं लेकिन जानते नहीं अज्ञानता बस, लेकिन ज्ञान हो जाए तो क्या है, कामदेव पर विजय प्राप्त की। कामदेव को परास्त किया भगवान ने कोटानकोट ब्रज गोपियों के साथ में। ये वही शरद पूर्णिमा की रात्रि जो 6 महीने की हो गई। दो दो गोपी बिच बिच माधव, प्रत्येक दो गोपी के संग में एक कन्हैया का दर्शन। पूजा
पूजा करूं मैं सुबह शाम। माखन खाने आई जइयो, माखन खाने आई जइयो, माखन खाने आई जइयो, माखन खाने आई जइयो, सांवरे आई जइयो, सांवरे आई जइयो, सांवरे। जमुना किनारे मोरा काम, जमुना किनारे सुंदर नौ का बिहार उत्सव हो रहा है, शरद उत्सव इतनी सुंदर मनाया जा रहा है, चकाचक आनंद ही आनंद आ रहे हैं। यहाँ आप बोट देख सकते हैं, ऊपर से भी लाइटिंग है और पूरे शरद के गैटन पर बनाई गई है नाव। अभी हम चलते हैं यहाँ पर किनारे पर, वहाँ से हम आपको दिखाएंगे नाव, यहाँ से आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं। और देखिए बोट कितनी सुंदर है यहाँ पर। जय हो श्री यमुना रस रानी जी की, जय हो। वाह, देखिए भैया आज का जो नौका विहार उत्सव है उसमें हो रहा है। इस बोर्ड पर श्री रसरानी जो लिखा हुआ है ना, वो एक माताजी बता रही थी कि भैया हमने आपका एक ब्लॉग देखा था, मुझे पता नहीं था कि उन्होंने देखा है, तो उन्होंने देखा था कि बोले थे आप बहुत देर से मतलब यमुना रसरानी जी, यमुना रसरानी जी बोल रहे थे, तो हमने अपनी बोर्ड का नाम यमुना रसरानी जी रख दिया। मैंने कहा वो कितनी सुंदर बात है। तो भैया आप यहाँ देख सकते हैं नौका विहार में से कैसे दीपदान हो रहे हैं। ये श्री जी की आज की नौका विहार, ये शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है और यहाँ पर नौका विहार उत्सव हो रहा है और दीपदान भी प्रज्वलित किए जा रहे हैं, प्रवाह किए जा रहे हैं यमुना जी में। चकाचक आनंद ही आनंद आ रहा है। माधव माधव जय कुंज बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी।
चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोलो, राधे 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 राधे, राधा मेरी गंगा तो तीर है बिहारी, राधा मेरी गंगा तो तीर है बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे 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 बिहारी, भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सुनु संगति, कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्, अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते, प्रवाल बाल पल्लव प्रभाणुनाग्रि कोमले, वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालय, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। आप देख सकते हैं रात्रि में कितना सुंदर व्यू है यमुना जी का। वैष्णव जय तू शुद्ध भक्ति मार्गी, जय तू द्वैतवादिन। ये माता जी हैं जो आज का उत्सव करा रही हैं पूरा। जय हो। ये श्री जी का उत्सव हो चुका है, प्रस्थान करते हैं यहाँ से। ये आप यहाँ देख सकते हैं कितनी सुंदर नौका है, और यहाँ पर अब ये किनारे पर आ चुकी है। अब इसके बाद कुछ देर के बाद ये सब ये प्रस्थान करेंगे निकलने के लिए। तो ये हमारे ये सब्सक्राइबर भक्तजन हैं जो कि आज के फोटो की सेवा कर रहे हैं इसमें। जय हो राधे राधे। चले हैं फिर, आप हमें वीडियो भेज दियो। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये यहाँ से प्रस्थान करते हैं, कहीं ना कहीं एक जगह चलते हैं अपने पलास भैया आते हैं। महाराज कहाँ चलोगे, क्या लेकर के आए हो? तो ये हमारे पलास भैया ये लेकर के आए हैं 360 कैमरा लेकर के आए हैं। तो इसका कुछ देखने के लिए चलते हैं कैसा इसका नज़ारा है। और इस ब्लॉग को भी हम यहीं पर एंड कर देते हैं। और आप सभी को शरद उत्सव की खूब खूब मंगल बधाई, खूब खूब चकाचक आनंद लो। और आपको कैसा आनंद आया इस ब्लॉग में कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा ये भी है इसके साथ है। तो इसके साथ में ये भी है, पहली बार देख रहे हैं हम। क्या है भैया इसका नाम क्या है? ये कैमरा है या कोई आउटपुट है? अरे सही कह रहे यार, हमारा दिख रहा है हमें। देखो देखो, अरे मैं यहाँ पे फोकस करूँ, तुम अब कैमरा को ले जाओ। अच्छा कहीं भी ले जाए, कितनी दूर तक? थोड़ी सी अपर रेंज अभी चेक ना करिएगा। ये कैमरा आप चेक कर सकते हैं कैसा है, आप बताइए क्वालिटी। और इसको भी चेक करते हैं, अभी लेकर के चलते हैं बाइक से, कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो ये ठीक है, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तक आप सभी को राधे राधे। श्री हरवंश और शरद उत्सव की खूब खूब मंगल बधाई। और द्वितीय शरद का भी ध्यान रखना, राधा वल्लभ जी में द्वितीय शरद मनाई जाती है। आज तो प्रथम शरद है जो कि राधा वल्लभ जी में आज से ज़्यादा परसों की मनाई जाएगी। तो उसका भी ब्लॉग बनाएंगे, चकाचक आनंद लेंगे। तो ये ग्रहण में भी मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि आज कहीं ना कहीं सूतक है या ग्रहण है, चकाचक आनंद ही आनंद बरस रहा है। वृंदावन में ना सूरज की रोशनी आती है ना चंद्रमा का प्रकाश आता है, क्योंकि वृंदावन धाम जो है सब 14 लोगों से परे है। ये मतलब क्योंकि ठाकुर जी का निज धाम है ये। ठीक है, श्री अरविंद।